एंड वेलकम बैक मैं जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन में ये स्टोर खुला था पार्किंग यहाँ पे अमेजिंग है बहुत पार्किंग है और एंट्री पे भी उतना भीड़ नहीं था उस दिन जिस दिन मैं गई थी दो फ्लोर्स हैं यहाँ पे द ग्राउंड फ्लोर मोस्टली हैज होम यूटिलिटीज और जो फर्स्ट फ्लोर है इज मोस्टली फर्नीचर एंड द कैफेटेरिया यहाँ पे प्रो टिप ये है कि आप बिल्कुल भी लिस्ट के बिना मत आना चाहे तो आप वेबसाइट में जाके उस कार्ट ऐड टू तो कार्ट करके चीजें लेके फिर यहां पे आना क्योंकि अगर आप पांच चीजें सोच के आओगे तो आप यहां से पंद्रह चीजें लेके ही जाओगे अगर आप पांच हजार का बजट बना के आओगे तो आप पंद्रह हजार खर्च करने ही वाले हो क्योंकि यहाँ पे चीजें इतने अच्छी तरीके से रखा हुआ है इतने आपको जो नहीं चाहिए आप वो पिकअप करोगे तो हाईली रेकमेंड कि आप एक लिस्ट बना के और एक बजट बना के जरूर आना सेकेंड थिंग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं लास्ट में एक प्रोटिप दूंगी जहाँ पे आप थोड़े और पैसे और थोड़े अच्छे डील्स उठा सकते हो इन अ लेसर प्राइस यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सब सेट में चीज़ें बना हुआ है एंड यू नो यहाँ पे आप एरोज भी देख रहे हो तो आप एक एंट्री से एक पॉइंट से आते हो एक पॉइंट से निकलते हो बीच पे निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है सो so, वो एक है सो आई क्या गाइज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि दे वॉन्ट यू टू गो थ्रू एंटायर स्टोर तो आप टाइम लेके आना पूरे दिन का क्योंकि एक दो घंटे वाला ये टूर नहीं है ये पूरे दिन का टूर आराम से हो जाता है एंड uh, मैंने स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ लिए थोड़े अच्छे से स्लो मोशन स्लो में लिए थे बट एंड में जाके मैंने एकदम फास्ट फास्ट वीडियो लिया क्योंकि मेरा फोन का बैटरी मेरा कैमरा का बैटरी सब कुछ खत्म हो गया था आई रीच यट वन ओ क्लॉक एंड आई लेफ्ट ह्यर वैन द स्टोर क्लोज एट नाइन नाइन थर्टी आई थिंक सो देर फॉर एट आवर्स स्ट्रेट तो मैं बहुत ही थक गई थी एंड में सो लेट स्टार्ट तो यहाँ पे आप छोटे मोटी चीजें तो देखे ही हो यहाँ पे सोफा बहुत टाइप के सोफाज है सो इट स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक टेन थाउजेंड रुपीज टू सीटर का एंड थ्री सीटर का इट्स अराउंड एटीन थाउजेंड रुपीज सिक्सटीन नहीं सैनटीन थाउजेंड रुपीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोफा है इट गोज अप टू अराउंड वन एंड हाफ लैक्स सो डिफरेंट टाइप के सोफा है आप देखते रहना हर कॉर्नर में सोफा है सोफा ही सोफा है हर कलर में है एंड uh, हर टाइप में है आ, सोफा कम बेड भी है सो so काफी टाइप के सोफा है अगर आप सोफा वगैरह पिक करना चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो तो मे बी आपको शायद आपका होने वाला सोफा यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला है फुट स्टूल सेक्शन तो यहाँ पे सिर्फ फुट स्टूल्स है डिफरेंट टाइप्स के आई थिंक द मिनिमम प्राइस ऑफ द फुट स्टूल जो सोफा के साथ आप ले सकते हो सोफा के कलर में अगर आपको मिल गया तो अराउंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का होगा और अगर आपका विंग चेयर के साथ लोगे तो वो अराउंड सेवन थाउजेंड का होगा यहाँ पे छोटे मोटे चीजें निफ्टी चीजें बहुत है मतलब खर्चा करने के लिए बहुत बहुत आइटम्स है छोटे 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 चीजें काफ़ी है यहाँ पे जो आप शायद लेना भी चाहोगे ये टेबल बहुत प्यारा सा यहाँ पे जो सेक्शन यहाँ पे जो आ, टाइप ऑफ थिंग्स मिलती हैं सो बेसिकली आप अगर कोई प्राइस देखते हो तो ये मत सोचना कि तीन हजार में पूरा है सो so ये बेसिकली सिर्फ ऑफ फ्रेम या ये जो आउटर फ्रेम है सिक्स थाउजेंड का है उसके अंदर जो शेल्फ है ईच शेल्फ का अलग अलग प्राइस है तो डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज डाल रहे हो कि कांच का डाल रहे हो कि ड्रॉज डाल रहे हो कैसे भी डाल रहे हो सबका अलग अलग प्राइसिंग है तो वो थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि जो आपको प्राइस दिखता है वो एग्जैक्टली exactly, वो पूरे एंटायर चीज का प्राइस नहीं होता पता चला आप पे कर दोगे और आपको सिर्फ बाहर का कवर मिलेगा सो so, आप थोड़ा वो कन्फर्म कर लेना यहाँ पे दो टाइप के टैग्स हैं एक जो रेड है वो आप फ़ोटो ले सकते हो एंड देन वेयर हाउस से पिक कर सकते हो और जो येलो टाइप के टैग्स हैं वो आपको वहाँ से बिलम द फर्स्ट फ्लोर से बिल करना पड़ता है और नीचे से जाके पिक करना पड़ता है क्योंकि जो सोफ़ा वगैरह होता है वो येलो कलर के टैग्स होते हैं ये सब मेटल वाले शेल्स हैं सिक्सटीन फिफ्टी के आप देख रहे हो यहाँ पे वुडन शेल्स भी बहुत है रेंजिंग फ्रॉम सिक्स हंड्रेड रुपीज ऑनवर्ड्स कम के भी है नॉर्मल वाइट शेल्स जो आपको घर में जाके खीला ठोक के लगाना पड़ेगा बट दे आर नाइक नॉर्मल शेल्स सो आप पूरा प्लान आउट वैसे कर सकते हो इफ़ यू हैव अ डिजाइन इन माइंड आप वहाँ पे जो वहाँ पे हेल्प हेल्पर्स रहते हैं आप उनसे पूछ लेना वो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे देंगे to, you know, आपके हिसाब से सो एवरी कस्टमाइजेबल यहाँ पे ये वुडन शेल्स है वुडन रैक्स है और पीछे आयन रैक्स है विच इज लिटल चीपर देन वुडन वंस ये तीन हजार का पूरा शेल्फ था विच इज अ वेरी गुड डील आई थिंक और uh, दो हजार रुपए का भी ये छोटा वाला जो आप लेफ्ट पे देख रहे हो ये दो हज़ार रुपये का था विच आई लाइट बट मेरे पास ऐसा कुछ रखने का था नहीं तो मैं लिया नहीं मैंने यहाँ पे टेबल्स वगैरह बहुत है सो so, uh, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एमआरपी मतलब जो प्राइस लिखा है उससे कम में ही मिलता है बट यू डोंट रियली नो वो मैंशन ही नहीं रहता वो आपको बिलिंग सेंटर बिलिंग uh, एरिया में या आप जब बिल कर रहे हो तो आपको सरप्राइज मिल सकता है खुश हो सकते हो आप बट डिफरेंट टाइप से टेबल है वुडन है ग्लास है मार्बल भी है uh, और प्राइज आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड थ्री थाउजेंड रुपीज़ एंड इट गोज़ अप टू लाइक थर्टी थाउजेंड आई थिंक मैंने जो सबसे ज्यादा टेबल जो इसका देखा था वो थर्टी थाउजेंड का था वुडन इन वन लाइक नाइन टेन थाउजेंड के रेंज में है और जो कांच वाले हैं वो अराउंड तीन हजार के रेंज में है यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला थोड़ा सस्ता था बड़ा सा था बट ऑबली मेटल का था अः uh, ये चार हजार का वुडन टेबल है इज़ लाइक एक्चुअली वेरी नाइस बट नीचे कोई शेल्फ नहीं था तो आई गो फॉर इट ये वाला जो टेबल है ये मैंने एक पिकअप किया है साइड टेबल से सोफा के पास में आप रख लो मस्त से आप खाना टेबल पे रख सकते हो या तो आप लैपटॉप रख के काम कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट सो दैट इज अ गुड थिंग यहाँ पे ये भी आठ हजार का था विच इज अ मिक्स ऑफ वुड एंड कांच ये वाला भी कांच का टेबल था जो मैंने पिकअप किया है मेरे हॉल के लिए यहाँ पे और भी टेबल्स हैं आप देख रहे हो हर रेंज में आपको चीज़ें मिल जाएंगी आप जैसे कि मैंने बोला आप बजट बना लो कि आपको टेबल कितने का चाहिए सोफ़ा कितने का चाहिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा वरना तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल ही है बजट में चीज़ें लेके जाना ये वाला सेक्शन जो है दिस इज़ मोस्टली साइड टेबल्स का है कॉफ़ी uh, टेबल्स का भी है बट मोस्टली साइड टेबल्स का सेक्शन है ऊपर जो देख रहे हो वो ट्रिपल नाइन बारह सौ पचास ऐसे का था ये यहाँ पे जो है पूरा सेट बना हुआ है जैसे मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो ये रेड टैग आप बस फोटो ले लो और नीचे जाके आप वो हाउस से पिकअप कर लो अगर आपको सेम टू सेम रूम चाहिए तो आप वहाँ पे जो भी हेल्प करने के लिए रहते हैं उनको बोल देना तो वो सब कुछ आपको ऐड करके आपके कार्ट में दे देंगे सो दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी अगर आपको एक कॉर्नर अच्छा लगा तो आप वैसा का वैसा उठा के अपने घर पर डाल सकते हो यहाँ पे और भी सोफा है सोफा एस आई सेड बहुत टाइप्स के हैं तो डिफरेंट फील के हैं डिफरेंट फैब्रिक टाइप के हैं वेलवेट कपड़ा पता नहीं क्या क्या मटेरियल्स है बट बहुत टाइप के डिफरेंट सोफा है सो so, ये जो थ्री सीटर आप देख रहे हो ब्लू एंड ग्रे कलर चीपेस्ट थ्री सीटर आई थिंक सेवेंटीन थाउजेंड के थे ये uh, ये वाले शायद सोफ़ा कम बेड भी है यहाँ पे काफ़ी सारे बट सोफ़ाज uh, का रेंज बहुत अच्छा है आई मीन आई थिंक मुझे अठारह हज़ार में बाहर अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा शायद ना मिले थ्री सीटर बट यहाँ पे मुझे अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा ज़रूर मिल जाएगा मैं वहाँ पे बैठ के भी देखी हूँ सत्रह हज़ार वाला इट्स वेरी कम्फी सॉफ्ट एंड कुशनी तो काफ़ी अच्छा है ये वाला थ्रो भी टू नाइनटी नाइन का कुछ और सोफा है ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव साइड में थे क्योंकि ये जब आप बैठते हो ऐसा लगता है आप हेवन में चले गए हो इतना सॉफ्ट था यहाँ पे सारे सेक्शन बहुत ही कलर कोऑर्डिनेटेड हैं जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जैसे पिंक एंड गोल्डन का है तो सब कुछ जहाँ पे अगर आपका पिंक वॉल है तो पिंक वॉल में आपका क्या क्या अच्छा लगेगा वैसा डाला हुआ है बेसिकली वो आपको पूरा पैसा आपका पूरा ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं आई के बट एनी वेज इट्स एक्चुअली हेल्पफुल एज वेल जिसको घर पूरा सेटअप करना है वो ज्यादा नहीं सोच के यहाँ से उठाओ कॉपी करो और पेस्ट करो सो दैट इज अ गुड थिंग यहाँ पे सिंगल चेयर्स भी हैं ये लाउंज चेयर है आउटडोर चेयर्स भी बना सकते हैं इनको या तो आप टीवी देखने के लिए जैसे लाउंज चेयर नॉट वेरी कंफर्टेबल मुझे बहुत कंफर्टेबल तो नहीं लगा बट इफ इट्स योर गो अहेड ये वाला सेक्शन जो है पूरा वाड्रोप सेक्शन है बेसिकली तो जितने भी जैसे भी टाइप के आपको वाड्रोप्स चाहिए या नॉट वार्ड्रोप बेसिकली ये बुक शेल्फ टाइप का है जहाँ पे आप चीज़ें रख के थोड़ा डेकोर कर सकते हो अंदर कांच वाँच की चीज़ें रख सकते हो और फिर और सोफा मतलब इतने सोफ़ा थे कि मैं आपको बताऊँ क्या ही बताऊँ मतलब सो दीज आर ऑल सोफ़ा कम बेड एंड दी वर एक्सपेंसिव आई थिंक पचास साठ हज़ार के ऊपर का ही था बिकॉज ऑल आर सोफ़ा कम बेड एंड इट दे आर वेरी कम्फर्टेबल ये वाले सेक्शन में भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीजें थी इसलिए मैंने शायद इसका वीडियो लिया मुझे ये टेबल बहुत पसंद था बट आई डेंट नो वे टू कीप इट तो मैंने लिया नहीं थर्टीन थाउजेंड या फोर्टीन थाउजेंड का था बट इसका फिनिश वगैरह बहुत अच्छा था uh, यहाँ पे ऐसे सेट बहुत सारे हैं ये वाला टी वी यूनिट सेट है सो uh, so यहाँ पे अपने सेक्शन से बना के ले सकते हो ये वाला बच्चों का सेक्शन था शायद कांट uh, रिकॉल uh, और भी सेट देख रहे हैं हम लोग इधर um, आप देख रहे हो नीचे एरो टू फॉलो दैट एरो अदरवाइज उल्टा पड़ जाता है सो so, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा खाली था नॉट श्योर वाई क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें थी नहीं आर बेसिकली वॉर्ड्रोब जो पूरा कस्टमाइजेबल है तो रेडी वॉर्ड्रोब बहुत कम थे तो पूरा कस्ट, कस्टमाइज़ करके आपको मिलता है बंक बेड्स भी काफ़ी सारे थे ये वाला जो है ड्रॉर सेक्शन था वुडन ड्रॉज मेटल ड्रॉज सब टाइप के ड्रॉज आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही फेमस है एक्चुअली स्पेशली uh, लड़कियों के लिए वैनिटीज के लिए बहुत स्पेशल है ये um, ये सारे ऑफिस चेयर्स थे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिस चेयर्स थोड़े बहुत मिरर भी था यहाँ पे और ये पॉइंट तक मैं ऑलरेडी थक चुकी थी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट चीज़ें थी टेबल चेयर रेडी था लाइक यू जस्ट पिकअप पूरा सेट दिखता था कैसे होगा कैसे दिखेगा इट वॉज रियली नाइस ये वाले यहाँ पे मैट्रेस बहुत अच्छे अच्छे थे एक्चुअली बेड uh, का टाइप मैंने उतना नहीं देखा सेट्स जो रेडी सेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा था बेड्स बट यहाँ पे मुझे उतना बेड नहीं दिखा बट मैट्रेस काफ़ी सारे थे ये वाला डाइनिंग टेबल सेक्शन है बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के डाइनिंग टेबल्स थे सो so फोल्डेबल भी थे जो फ़ोर सीटर है आप उसको फोल्ड करके सिक्स सीटर बना सकते हो सो um, अनफोल्ड so करके बेसिकली सो फोर टू सिक्स सीटर वाले बहुत अमेजिंग थे और यहाँ पे और भी सेट थे सोफा वगैरह बैठ के भी देख सकते हो कुछ कुछ अंकल तो बेड पे मस्त सो गए थे आफ्टरनून uh, नैप ले रहे थे ऐसा लग रहा था ये वाला पूरा किड्स सेक्शन है अगर आपको आइडिया चाहिए कि आपके किड्स रूम कैसे दिखने चाहिए क्या क्या चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से पिकअप कर सकते हो ये सब बच्चों का ही एरिया था बच्चों के प्ले uh, uh, चीज़ें थी मतलब बेसिकली आर्ट सी चीज़ें थी uh, तो काफ़ी सारे वहाँ पे चीज़ें थी कुशन कवर्स बेडिंग ये सब ये सेक्शन में था वंस आर आउट ऑफ द बच्चों का सेक्शन यहाँ पे कलर वाइट बोर्ड ये सब बेसिकली ये पूरा बच्चों का सेक्शन था जहां पे मेरा कुछ काम नहीं था बट मुझे स्टिल मन कर रहा था मैं कुछ ले लूँ, बहुत कंट्रोल करके मैं यहाँ से निकली हूं ये होता है खत्म फर्स्ट फ्लोर का ये है एलिवेटर नीचे जाने के लिए कैफेटेरिया बहुत बड़ा है अच्छा खाना है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो चीज़ केक खाना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली घर सजाने की चीज़ों से ज़्यादा किचन की चीज़ें ज़्यादा है फेक प्लांट्स वग़ैरह काफ़ी सारी हैं यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो यूटेंसिल्स वगैरह जो है एक भी यूटेंसिल हल्का फुल्का नहीं है सारी यूटेंसिल्स इतने हैवी है दो दे आर लाइक फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का एक एक सेट है बट वो बहुत ही हैवी मटेरियल का है मतलब अगर खरीद लोगे पाँच साल तो आराम से निकलने ही वाला है कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का सस्ता नहीं था यहाँ पे सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही था सो दैट इज़ गुड अगर आप किचन में खाना वाना बनाते हो अगर आपको फैंसी किचन चाहिए तो आप यहाँ से तो चीज़ें डेफिनेटली ले सकते हो बट इट्स जस्ट दैट आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट ये पूरा नाइफ सेक्शन था इतने टाइप्स के नाइफ मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा था यहाँ पे पूरे कांच का सेक्शन था सो बेसिकली बेकिंग सेक्शन था ये जहाँ पे बेकिंग रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा और कांच का भी कंटेनर का एक सेट था जो साइड था जो मैंने शायद लिया नहीं मुझे मिल नहीं रहा है सो so, वहाँ से भी मैंने भी काफी सारी चीजें ली वो बहुत ही सस्ते में था कांच का स्टोरेज जो खाना वाना बना के माइक्रोवेव में डायरेक्ट डालने के लिए ये वाला सेक्शन जो था ये पूरा फैब्रिक का सेक्शन था जहाँ पे आप मीटर के हिसाब से कपड़ा ले सकते हो आप उसका चादर बनाओ बेडिंग बनाओ हो का ये पूरा सेक्शन था सोफा थ्रो और ये कुशन कवर्स और साइड पिलो के कवर्स बहुत ही टाइप के थे हर बजट में था यहाँ पे जब आप कवर देख रहे हो तो आप सोचना मत कि आपको कुशन के साथ मिलेगा सो द कवर इज़ अलग एंड द कुशन इज अलग प्राइज सो so वो सब आप ध्यान में रख लेना टॉयलेट्रीज भी काफ़ी सारी थी इसमें सोप डालने के ही इतने ऑप्शंस थे सोप रखने के जो आ, है और ये टॉयलेट ब्रशेज हर टाइप की चीज़ें भाई यहाँ पे मिलती है या ये वाला सेक्शन जो है ये पूरा स्टोरेज है फोल्डेबल स्टोरेज था मोस्टली जो कार्डबोर्ड के होते हैं जो आप फोल्ड करके रख सकते हो जब आपको चाहिए आप, आप बेड के नीचे डाल सकते हो सो गुड फॉर कीपिंग योर शूज़ और एनी आइटम्स जो आपको रखना होता है डिफरेंट uh, टाइप के शेल्स से प्लास्टिक के भी थे अगर आप देख रहे हो प्लास्टिक के भी हैं नीचे कपड़े मटीरियल का भी है मेटल का भी है सो so ये सिर्फ आ, वैसा स्टोरेज ड्रॉर टाइप का चीज़ था जो अब ऑर्गेनाइज़र बेसिकली मैं बोल सकती हूँ ये वाला एरिया सिर्फ लेफ्ट साइड पे सिर्फ डस्टबिन ही थे दो हज़ार रुपये का डस्टबिन मैंने तो पहली बार ही देखा था मैंने सोचा क्या ही है ये बट दिखता तो बहुत एस्थेटिक है यहाँ पे स्टोरेज जो है बहुत सारे ऑप्शन है व्हील्स के साथ है विदाउट व्हील्स है हर साइज में है जो नीचे का पार्ट है वो अलग प्राइस है और कवर का प्राइस अलग है तो वो अलग अलग आपको लेना पड़ेगा क्लिप्स लॉन्ड्री बैग्स का अलग सेक्शन है काफी लॉन्ड्री बैग्स और क्लिप्स के ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो हैंगर्स कितने टाइप के हैं बट ये मेरा फेवरेट सेक्शन है आई थिंक लाइट का सेक्शन इतने टाइप के लाइट्स थे और इतने अमेजिंग लाइट्स थे यहाँ पे मतलब डिफरेंट कलर्स के और हर टाइप के हैं लाइक साइड में रखने के लिए है टेबल टॉप है या फ्लोर लैंप्स है हैंगिंग uh, लाइट्स है झूमर है फिर यू नो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने का हैंगिंग लाइट्स टाइप के भी हैं लाइक हर तरीके के लाइट्स थे ये वाला एरिया सिर्फ रग्स और फ्लोर मैप्स नहीं फ्लोर मैट्स के थे सो so बहुत टाइप के फ्लोर मैप्स थे अगर आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर मैप्स एंड रग्स भी बहुत थे एंड आई थिंक रग्स जो है बहुत ही बजट फ्रेंडली थे ये वाला सेक्शन पूरे कैनवस क्या बोलते फ्रेम्स का था और एक सेक्शन पूरे मिरर का था और ये वाला फेक प्लांट्स का था ये वाला भी दिखता बहुत अच्छा था क्योंकि इतने प्लांट्स थे बट आई थिंक कि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ओवर था था आई मीन थोड़ा सा मुझे लगा कि ये ओवर है बट um, ठीक है आई मीन लुक्स गुड क्वालिटी अच्छी थी सो so ये वाला एक्चुअली लास्ट यहाँ पे कैंडल सेक्शन भी है जो बहुत अच्छा स्मेल करता है बहुत कैंडल्स थे यहाँ पे और ये सब होम डेकोर की चीजें हैं छोटी मोटी और बस ऐसे ही वेयरहाउस तो ये हमारा खत्म हो गया ये वेयरहाउस सब चीजें लो और फिर बिलिंग सेक्शन में पहुंच जाओ अब आता है आपका प्रो टिप सो बेसिकली बिलिंग सेक्शन के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट पे एक कॉर्नर है जहाँ पे डील ऑफ द डे रहता है वहां से आप डील ऑफ द डे चेक करना बिल्कुल मत भूलना आपको वहाँ पे फर्नीचर कम से कम 50 से 60% डिस्काउंट पे मिलेगा इट्स नॉट ओनली फर्नीचर दे गिव आउट शेल्फ्स कवर्स होम यूटिलिटी के चीजें कुछ भी रह सकता है डिपेंडिंग ऑन वॉट डेट इज एंड हाउ दे आर प्लानिंग इट बट वो कम से कम 50 परसेंट सेल पे होता है एंड बहुत ही लाइट डिफेक्ट होता है पता भी नहीं चलता एंड दे आर लाइक इट्स हैपन विद मी कि मैं सोफा लेके आई हूँ से अट्ठारह हज़ार का और वो सेम सोफ़ा डील ऑफ द डे में नाइन थाउजेंड रुपीज़ का था तो बहुत ही जान जलती है बट मेक श्योर कि आप पहले वो एरिया चेक कर लो अगर आप चेक कर सकते हो तो